स्वामी विवेकानंद को आज भी महान दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा कहे वचन आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शन है। अगर उनके द्वारा कही बातों पर जीवन जिया जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक ऐसा वाक्य बताने जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से आपकी सोच को बदल कर रख देगा। एक बार की बात है, बनारस में स्वामी जी मंदिर से निकल रहे थे, तभी वहां मौजूद बंदरों ने उन्हें घेर लिया। बंदर उनके नजदीक आने लगे और उन्हें डराने लगे। स्वामी जी भी उनसे भयभीत होकर डर कर भागने लगे और स्वामी जी दौड़ने लगे तो मानो बंदर भी उनका पीछा करने लगे। पास ही खड़े एक संत, एक साधु संत ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको और इनका सामना करो। उसके बाद स्वामी आगे बढ़े और बंदरों की आंखों में आंखें डालते हुए आगे बढ़े। उसके बाद बंदर अपने आप ही पीछे हटने लगे और वहां से भाग गए। ये दुनिया कायरों को याद नहीं रखती, ये दुनिया याद रखती है तो उस इंसान को जो अपने डर, अपने हौसलों को भी डर से हरा देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी अचानक खराब हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा आपको सफलता की ओर ही ले जाएंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से आर्थिक रिपोर्ट।